हेलो गाइस, मैं हूं अमित। भाई आपने जरूर से सुना होगा कि ग्रीसी चीज के ऊपर अगर आग लगे तो उसको पानी से नहीं बुझाना चाहिए, उसको बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर या फिर मिट्टी का यूज किया जाना चाहिए। तो भाई आज हम यही डेमो दिखाने वाले हैं कि क्या होगा अगर हम पानी से गर्म ग्रीस को बुझाने की कोशिश करें या फिर इवन ठंडा करने की कोशिश करें। तो सिंपली क्या करेंगे, ग्रीस को गर्म करेंगे, उसमें ठंडा पानी डालेंगे, फिर देखते हैं कि क्यों ऐसा कहा जाता है, क्या कुछ खतरनाक होता है। तो फटाफट शुरू करते हैं। आप लोग इस वीडियो के लिए नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा देना और प्लीज कुछ भी ट्राई मत करना, ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है भाई, डोंट ट्राई। दोस्तों यहाँ पर हमारे पास में इस डब्बे के अंदर है काफी सारी ग्रीस, आप देख सकते हो, और इस ग्रीस को गर्म करके पानी डालने के लिए यहाँ पर हमने एक सिस्टम बनाया है। हमने यहाँ पर जो है एक स्टोव बनाया है जिसके अंदर यहाँ पर हमने ये कढ़ाई रखी है, इसके अंदर डालेंगे ग्रीस, और यहाँ पर ये सिस्टम बनाया है पानी डालने के लिए, और यहाँ पर ये जो रस्सी है ना, देखो इस रस्सी को जैसे ही मैं ऐसे करूँगा तो जो पानी है वो गिर जाएगा। यहाँ पर हमने ऊपर एक पुली लगाई हुई है, तो देखो ये कुछ इस तरीके से काम करने वाला है। तो भाई हमारा जो स्टोव है इसके नीचे लकड़ियां लगाना शुरू करते हैं। ये एक ओपन स्टोव है जो कि चारों तरफ से खुला हुआ है जिससे कि हम इसको गर्म कर सकें और इसके ऊपर ग्रीस रख सकें। फिर तो अब लगाते हैं इस पे आग। तो भाई बढ़िया, आग जल चुकी है, कढ़ाई गर्म हो चुकी है, तो अब बारी है इसमें ग्रीस डालने की। और जो ग्रीस है आपको पता है यूज़ होती है व्हीकल्स वगैरह में, तो यहाँ पर मैं इस पलटे का यूज़ करूँगा इसमें डालने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि आग ना लगे इसमें तुरंत से। अरे यार ये तो आग पकड़ गया लपटों की वजह से पकड़ गया, चलो कोई बात नहीं, हम इसमें ग्रीस डाल देते हैं। और भाई आप लोग देखो कि जो ग्रीस है वो किस तरीके से जलता है। अब ग्रीस की जगह भले ही डीजल हो, भले ही वेजिटेबल ऑयल हो या कुछ भी हो, वो ऐसे ही जलने वाला है। तो मेरे ख्याल से हम इसमें काफ़ी ग्रीस डाल चुके हैं, इतना काफ़ी रहेगा, थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसको अच्छे से गर्म होने देते हैं, उबलने देते हैं। तो जब तक ये गर्म होता है तब तक बड़े ही ध्यान से हमारे बर्तन में डाल लेते हैं पानी, बिना ग्रीस में डाले भाई, बहुत ध्यान से डालना पड़ेगा। और भाई आपको फिर से कह रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा डेंजरस है, प्लीज़ ट्राई मत करना। और भाई यहाँ पर जो है सारी चीज़ें अभी रेडी है एकदम, अब सिर्फ ये जो ग्रीस है इसको गर्म होने देना है। अभी ये जो ग्रीस है ढंग से गर्म नहीं हुई है, उबलने नहीं लगी है, तो जैसे ही ये गर्म होगी उबलने लगेगी हम इससे दूर हो जाएंगे और जो पानी है वो डाल देंगे सिंपली इस रस्सी को खींच करके, अभी इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो भाई यहाँ पर सारा सिस्टम रेडी है, मैं पानी गिराने वाला हूँ, और यहाँ पर बड़े ध्यान से भाई दूर रहना सब। तो यहाँ पर इन 3, 2, 1 हियर वी गो। Here we go. तो
मेरी गॉइस, देखा तुम लोगों ने? अगर भाई सोचो इसके पास होते तो क्या होते? ग्रीस की या ऑयली सब्सटेंस की आग को कभी भी पानी से मत बुझाना मेरे भाई। यहाँ पर अभी तो ये थोड़ा ठंडा हो चुका क्योंकि थोड़ी सी ग्रीस थी, देखो क्या हाल यहाँ पर हो गया। लेकिन भाई साहब कितना जोरदार तरीके से यहाँ पर आग लगी, और यार मेरी आंखों में जो है धुआं जा रहा है। इसके अंदर क्या बचा है? इसके अंदर ग्रीस अभी भी जो है उबल रही है, देखो ये कैसी बन गई है। लेकिन भाई साहब आप लोगों ने देखा कि क्या हुआ है यहाँ कुल मिला के, यार बहुत ज़्यादा जो है भयंकर था। तो भाई इसीलिए जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या फिर जो ऐसी जगह होती है जहाँ पर ऐसे लिक्विड्स होते हैं ग्रीस वाले, या फिर ऐसे लिक्विड जो कि आग पकड़ सकते हैं ना, उनको लिखा होता है कि उनको पानी डाल करके ना बुझाएं, उन पर मिट्टी या फायर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड ऐसा कुछ डाल करके बुझाना चाहिए। तो भाई समझ गए होगे आप क्या होने वाला है। अगर आपको मज़ा आया, कुछ सीखने को मिला सीरियसली इस वीडियो में, तो नीचे जो लाइक का बटन है वो दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी और मस्त मस्त वीडियोज़ के लिए। तो चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और यार आज तो बस क्या बताऊँ यार, कितना बड़ा गुब्बारा निकला आग का, मतलब बहुत ज़्यादा। बंद करो यार सब, समेटो जल्दी।